पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गूढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो पुण्यात्माओं, ये जो पाप अज्ञानता में कर रहे हैं, कोई मिलावट करता है, कोई चोरी कर रहा है, कोई लेकर नहीं देता, कोई झूठ बोल रहा है, कोई रिश्वत लेता है, ऐसे ऐसे जुल्म कर रहे हैं, कोई दहेज मांगता है, परेशान करता है किसी दूसरे को, और जो जिसके अधीन है, जैसे पत्नी अधीन है पति कर, वो अपनी पत्नी को तंग करता है, तो पाप का भागी होता है। ऐसे ही जो जिसके अधीन है वो तगड़ा आदमी अपने से नीचे वालों को परेशान करता है, उसको बहुत बुरा हाल होता है। तो फिर हमने डर लगेगा कि आत्मा परमात्मा की है और इनको हम दुखी करेंगे तो प्रभु हमसे नाराज हो जाएगा, क्योंकि उसके बालक है ये उस धनी के बच्चे हैं। धनी के बच्चों को कोई तंग करता है तो उसकी फिर शात आया करे, उसकी खूब पिटाई करता है वो, तो फिर हमने डर लगेगा, फिर हम गलती नहीं करेंगे। तो ऐसे हम परमात्मा के इस ज्ञान को समझकर एक मानव बनेंगे। अब हम मानव नहीं रहे। कहते हैं कुबद काचड़ी चटगी चित पैतु होया मनुष्य से नागरे, सूझे नहीं सजन सुख सागर बिना प्रेम बैरागरे। कुबद काचड़ी यानी ये कुमत रूपी काचड़ी आपके ऊपर चढ़ गई है, मनुष्य के स्थान पर नाग बन गए, काग बन गए। जैसे काग क्या करता है, कौवा क्या करता है कि गधा जिसकी कमर टूटी हुई होती है सारा दिन कार्य करने से जख्म बन जाते हैं कमर पर पीठ पर, और जब वो जाता है बाहर चरने के लिए चारा, तो कौवा काग उसकी कमर पर बैठकर उस जख्म में चोंच मार के मांस खाता है। पुण्यात्माओं, आपके कोई खरोंच आ जावे और खरोंच के ऊपर कपड़ा भी लग जाओ तो आंखों में से पानी आओ, इतनी पीड़ा होती है, और उस गधे की पीठ पर कौवा बैठकर मांस नोचता है, वो कितना दुख दे रहा है अपने स्वार्थ में उस आत्मा को। ऐसे ही जो दुष्ट आत्मा दूसरों को सताते हैं, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई रिश्वत लेता है, या वैसे दबाव बनाता है, मानसिक परेशानी पैदा करता है, गालियां देता है, बुरा बोलता है, बहन बेटी को तकता है, बोल रहा लड़ने को तैयार होता है, ऐसी दुष्ट आत्माएं कहते तू होया मनुष्य नागरे। अब नाग बन गया, काग की तरह जुल्म करने लग गया, इंसान नहीं रहा। तो इस तत्व ज्ञान से हम वास्तव में मनुष्य बनेंगे और मनुष्य से फिर देवता बनेंगे और देवता बनकर हम सतलोक जाएंगे। देव का अर्थ होता है अच्छी आत्मा, क्योंकि सतलोक के अंदर अच्छी आत्मा ही जा सकेगी, जिनमें दया होगी, पापों से डरने वाले होंगे, प्रभु पर विश्वास करेंगे। जो जो शरण कबीर की ये तिरगे अंत अपार, दादू गुण के ताक हूं कैतन आवे पार। अब कलयुग के लास्ट में कृत घनी लोग हो जाएंगे, कोई मर्यादा नहीं रहेगी, छोटी आयु हो जाएगी, छोटा कद होगा,
कलयुग के अंत में इस मानव की 20 वर्ष की उम्र होगी। 20 वर्ष में ये पैदा भी हो लेगा, जवान भी, युवा भी हो लेगा, बच्चे भी पैदा कर लेगा और मर भी लेगा। वैसे तो 15 वर्ष की रहेगी, क्योंकि 20 तो कोई एकादा 20 वर्ष तक तो कोई एकादा मनुष्य जिया करेगा। जैसे आजकल जो कहें 100 वर्ष का हो गया वो फलाना, नहीं तो 80-90 में सबकी टिकट कट लेती है, सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उस समय फिर 15 वर्ष की उम्र में तकरीबन मर लिया करेंगे। और कद कितना होगा, ये गठ जो है इस तरह 2 गठ का, यानी 1.5 फुट, हद 2 फुट का। और इतनी जनसंख्या हो जाएगी, इतने कृतगनी लोग हो जाएंगे, कोई धर्मपुर नहीं जानेगा, कोई मर्यादा नहीं, कति पशुओं जैसे व्यवहार, कच्चा मांस खाने लग जाएंगे। तो उस समय ये कलयुग का अंत होगा। और 5 वर्ष की लड़की, 5 वर्ष की लड़की की शादी हो जा करेगी और 5 वर्ष की लड़की संतान उत्पत्ति करने लग जाएगी। उसके बाद कहते हैं, और पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी के 3 हाथ यानी 4.5 फुट तक, 4.5 फुट तक उपजाऊ जमीन नहीं रहेगी। 4.5 फुट तक नीचे नीचे कोई उपजाऊ अंश पृथ्वी पर नहीं रहेगा। अब आप देख रहे हो किसान फसल तैयार करते हैं और उसमें कितना ये खाद डालते हैं। अब तो लग रहे हैं पूरी स्पीड से धन इकट्ठा करने को, लेकिन आने वाले समय में यह पृथ्वी कति बंजर हो जाएगी, इसके अंदर उपजाऊ अंश नष्ट हो जाएगा और वर्षा नहीं हुआ करेगी, क्योंकि पापी प्राणियों के लिए वर्षा नहीं होती, पुनकर्मी प्राणियों के भाग्य से वर्षा होती है। ऐसे घास फूस और कच्चा मांस जीव जंतु खाकर के ये प्राणी मनुष्य जीव रहा करेंगे। उसमें 10वां अवतार आवेगा नीकलंक नाम तय, और फिर इन सब कृतगनियों को मारेगा, काटेगा, गर्दन काटेगा, जैसे परशुराम ने क्षत्रिय काटे थे। उस समय भी कुछ आत्माएं एकाध प्रतिशत जो भगवान से डरने वाली होंगी वही बचेंगी। और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कैसा होगा कि एकदम बहुत जबरदस्त वर्षा होगी प्रभु की कृपा से, और पूरी पृथ्वी पर कई कई फुट, सैकड़ों फुट पानी इकट्ठा हो जाएगा। अच्छी आत्माएं ऊपर अक्षेत्रों में चली जाएंगी, पहाड़ों के ऊपर, और फिर पूरी पृथ्वी पर पानी सूखेगा धीरे धीरे। जो नीचे उपजाऊ अंश नष्ट हुआ था वो धीरे धीरे जहर, वो विष ऊपर आ जाएगा जल में, और फिर वो धीरे धीरे जब सूखेगा उसमें फिर पूरी पृथ्वी पर घास फूस वन ये पेड़ पौधे उग जाएंगे। और फिर धीरे धीरे वो ऑक्सीजन जो अप्रदूषण फैल गया है, तो पूरी पृथ्वी पे जब हरे भरे वन हो जाएंगे, वो फिर उस ऑक्सीजन को छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करेंगे और धीरे धीरे वातावरण चेंज हो जाएगा और फिर से सतयुग प्रारंभ होगा। कहने का भाव ये है सारा कि अब ये जो अब समय है, अब से पहले कलयुग में अशिक्षित थे, शिक्षा नहीं थी, और परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे इसी उद्देश्य से कि इन कलयुग के लोगों को, प्राणियों को कुछ झटका दिखा दूं कि भगवान इसे काम करता है। अपनी समर्थता का प्रमाण देने के लिए आए थे 600 वर्ष पहले, वह पहली पीढ़ी थी, लेकिन उस समय अशिक्षित होने के कारण इन काल के दूतों का, इन नकली गुरुओं का दाव लगा रहा, ये लगा रहा कि कबीर अशिक्षित है, ये वेदों और शास्त्रों के बारे में नहीं जानता, झूठ बोलता है। फिर वहां विष्णु महेश अजरो अमर है, वो कहता है अजरो अमर नहीं है, इनके माता पिता हैं, इनका जन्म मृत्यु होता है,
ये कबीर झूठ बोलता है। कबीर जी के बारे में ऐसी धारणा उन अज्ञानी ऋषियों गुरुओं ने, हिंदू गुरुओं ने फैला दी और आम जनता ने यह मान ली साची, सच्चा मान लिया कि कबीर जी अशिक्षित है और हमारे गुरु जी ब्राह्मण ऋषि महर्षि जी ये संस्कृत के जानने वाले हैं, इन्होंने सदग्रंथों को पढ़ा हुआ है और कबीर जी अशिक्षित हैं इसलिए ये झूठ बोल रहे होंगे, ये तो मानना पड़ेगा। अब जो परमात्मा 600 वर्ष पहले बताया करते कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये सामर्थ शक्ति नहीं है, जैसा कि आपको सुबह के सत्संग में प्रत्यक्ष कराया था, श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित प्रश्न नंबर 123 तीसरा शकंद, उसमें स्वयं विष्णु जी कह रहे हैं अपनी माता दुर्गा के विषय में कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो और तुम ही से सारा जगत उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर आप ही कृपा से विद्यमान है, हमारा जन्म आविर्भाव और त्रोभाव जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है, तू ही अविनाशी है। भगवान शंकर कहता है कि जब भगवान ब्रह्मा जी आपसे उत्पन्न हुए हैं, उसके बाद विष्णु जी भी आपके ही बालक हुए, फिर मैं भी तमोगुणी लीला करने वाला शंकर के आपकी संतान नहीं हुआ, अर्थात मैं भी आप ही का बच्चा हूं। और परमात्मा ने 600 वर्ष पहले यही ज्ञान दिया अपने सूक्ष्म वेद के अंदर कबीर वाणी में, तो वो थी पैदड़ी पीढ़ी, और जो परमात्मा की लीलाएं करता वो लीला भी करके चले गए और उन्हीं की गवाही, उन्हीं की अब साक्षी चारों वेद और पुराण 18 ये प्रत्यक्ष दे रहे हैं कि जो कबीर जी ने लीलाएं की वो परमात्मा ही कर सकता है और नहीं कर सकता। तो अब ये बीच की पीढ़ी का जो समय है, आपका सौभाग्य आपको इस समय में मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ, इस परमात्मा के पाने के लिए किसी विशेष जाति या मजहब की आवश्यकता नहीं, और ये नहीं समझना कि ज्यादा पैसे वाले ही पार होते हैं, धनवान या उच्च जाति वाले नहीं। परमेश्वर कबीर जी ने ये भ्रमणा दूर करने के लिए और एक जुलाहा जाति में आए, और क्या कहते हैं कि जुलाहे का सुत आन कहाया जगत करे मेरी आसी, कि मैं जुलाहे का बेटा कहलाया, यहां आकर के दुनिया मेरी मजाक उड़ा रहा है, उड़ाती है कि ये धानक है, कबीर है, जुलाहा है, इसलिए आए थे परमात्मा के उसमें छुआ था चरम सीमा पर थी, ब्राह्मण लोग कहते थे प्रभु की भक्ति करने का अधिकार, सदग्रंथों को पढ़ने का अधिकार केवल उच्च जाति वाले को ही होता है, वो ब्राह्मण है, बाकी तीन वर्ण अपना अपना कार्य करते रहो। तो पुण्यात्मा और परमात्मा ये बताना चाहते थे कबीर जी के परमेश्वर मेरे पाने के लिए, परमात्मा पाने के लिए मेरे की तरह, जैसे मैं गरीब हूं, क्योंकि प्रतिदिन जितना कपड़ा बुनते थे उसकी जो बुनाई आती थी उससे अपना गुजारा करते लीला कर रहे थे, परमात्मा ने कबीर जी ने ये लीला की थी एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति की, और अपना काम करते करते भक्ति करके ये रिहर्सल करके दिखाई थी, एक उदाहरण पेश किया था कि मेरे से गरीब तो कोई हो भी नहीं सकता और मैंने भगवान पाया, यानी सह शरीर गए परमात्मा। अब आम व्यक्ति तो यही भगवान तो नहीं मान रहे थे वो लोग, लेकिन इतना अवश्य मानते थे कि कबीर जी की भक्ति श्रेष्ठ है क्योंकि वो सहशरीर चले गए। तो वो भक्ति जो करते थे, वो काम करते 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 थे, ना घर छोड़ कर गए, ना जंगल में गए, और ना ही ब्राह्मण कुल में जन्म था, एक जुलाहे कुल में जन्म, और फिर भी पार हो गए। तो परमात्मा ने ये सब भ्रमणा मिटानी थी कि भाई परमात्मा पाने के लिए मनुष्य शरीर हो और पूर्ण संत मिल जावे, और भक्ति डटके करना, श्रद्धा से नियम में रहना, कोई भी जाति हो, किसी मजहब का हो, गरीब हो चाहे अमीर, रंक हो चाहे राजा, मर्यादा में रहकर सारे पार हो सकते हैं। तो पुण्यात्माओं, ये सौभाग्य है आपका कि
आज आपको परमात्मा ने मनुष्य रूप दिया है और इस दास को भेज दिया ये खजाना लेकर, ये तत्व ज्ञान रूपी खजाना आपके लिए खोल दिया प्रभु ने इस दास के द्वारा। आपके पुण्यों का कोई वर्णन नहीं कर सकते, कितनी अच्छी किस्मत आप लोगों की जो मनुष्य शरीर प्राप्त है कलयुग के इस बिचली पीढ़ी में, और उससे भी भाग्यवान जो है जो इस परमात्मा की शरण में आ चुके हैं। जो जितना देरी से आएगा उतना रोया करेगा बैठ के, उस बीते हुए समय को रोया करेगा बैठ के वो पात्मा, हे भगवान पहले क्यों नहीं मिले, हे परमात्मा ये बर्बाद हो गया मेरा जीवन। अब हम ये दास देख रहा है कोई 20 वर्ष से, कोई 30 वर्ष से, कोई 40 वर्ष से अन्य पंथों के पास अपना जीवन बर्बाद करके अब आते हैं, ये ज्ञान सुनते हैं, अमृत वर्षा सुनते हैं, आंखों से आंसू नहीं सूखते उन बहन भाइयों के, रोते हैं अपनी किस्मत को, हमारा दुर्भाग्य था कि कहां फंस गए थे जाके, शुक्र है काल के जाल से निकल आए, वो तो काल के दूत है, कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई सच्चा उनके पास नाम नहीं, किसी को नाम देने का वो सच्चा नाम देने का अधिकार नहीं, सच्चा नाम में कोई ना उनके पास अधिकार तो बाद की बात है। तो इस प्रकार ये तत्व ज्ञान के आधार से पूरा विश्व एक बार पूर्ण रूप से मानव बनेगा। अब मानव नहीं है, मनुष्य के शरीर में कर्म सारे उल्टे किए जा रहे हैं, शराब पी में मांस खाए, अरे हुक्का पाड़े, ताश खेलें, जुआ खेलें, रिश्वत लूटे, मड़ी सी बात के ऊपर लठम लट्टा भूंडे बोले, बाण बेटियां भूंडी तके, शराब पी के गली में खड़ा होकर नंगे नाचे, बहन बेटियां भी डांस करती हैं, आदमी नाचे इन डीजे बजा के ब्याह शादियों में कुछ खुशी हो जाए, रे थारा गजब हो यो नाच जाइयो, सारे नाचे, बाप नाचे, बेटी नाचे, हर पता फेरने के ये मनुष्य, ये मनुष्य के काम होया करे, कोई शर्म लाज कति खत्म कर दी। तो काल तो ये चाहता है कि ये कति डांगर बन जा और बेशर्म बेहया बन जा, भगवान से दूर हो जा और कति नंगा तांडव काल का हो जा। परमात्मा दया करते हैं, मनुष्य को होश में लाते हैं, तू मानो है, अगर तने ये बकवाद करनी है तो फिर पशु ही था, आजकल कैसे शरीर कपड़े धारण करने लगी हैं बहन बेटियां, एक कच्चे से मांडा इतना कपड़ा पहन ले, बड़े बड़े शहरों में उधर देखा हमने एयरपोर्ट के ऊपर विदेशियों का फैशन रह तरा गजब हो गया। तो पुण्यात्माओं हम मानवता से दूर चले गए, अब परमात्मा हमें मानव बनाओगा, इस ज्ञान से हम मानव बनेंगे और फिर देवता बनाएंगे, अच्छी आत्मा बनकर सतलोक चले जाएंगे भक्ति की कमाई से, और कमाई इतनी हो जाएगी आपकी, ये तरीका ऐसा है, ये विधि ऐसी है कि आपकी कमाई ढेर लग जाएगा भक्ति का, इतनी हो जाएगी बहुत गणी थोड़े ही समय में, और आपने इस काल का ऋण उतारना है, उस ऋण से मुक्त होकर ही आप सतलोक जा सकते हो। तो प्रसंग चल रहा है कि उस परमात्मा को किस किसने पाया, उन्होंने फिर क्या गवाही दी, वो भगवान कौन है। दादू नाम कबीर का सुनकर का पैकाल, नाम भरोसे नर चले तो हो न बाका बाले। दादू साहब जी कह रहे हैं कि परमेश्वर कबीर जी का नाम सुनते ही, कबीर जी का नाम यानी वो सच्चे नाम मंत्र की जो धुन है, मंत्र की जो कमाई है, उसको सच्चे नाम को सुनकर काल काल भी कांपने लग जाता है। ये ब्रह्म ज्योति निरंजन जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में अपना स्वरूप दिखाता है, इतना भयंकर रूप श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके फिर उससे बाहर निकलकर, श्री कृष्ण जी से बाहर निकलकर दिखाता वो अपना स्वरूप, हजार भुजा, हजार आंखें, हजार मुंह, हजार हाथ, और फिर इतनी बूंदी भयंकर आकृति जिसको देखकर कांप रहा है अर्जुन, अर्जुन जैसा योद्धा भी घबरा रहा है, वो काल कबीर परमात्मा के सामने इस नाम के सामने कांपन लग जाता है। और कहते हैं जो पुण्यात्मा प्रभु के सच्चे नाम सतनाम के सहारे चलेगी, इस सच्चे नाम को जो ये दास आपको देगा, इस नाम का भरोसा रखेगी, तो उसका बाल भी बांका काल नहीं कर सकता।
दादू नाम कबीर का सुनकर कांपे काल, नाम भरोसे नर चले तो हो न बाका बाले। इस नाम का पूरा भरोसा रख, विश्वास रख, और किसी की बात आकर नाम खंड मत कर देना। कबीर करता आप है दूजा ना कोई, दादू पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावत सोए। दादू साहब कह रहे हैं कि कबीर करता आप है, वो आप ही करता है, सारी सृष्टि का रचने वाला है और कोई नहीं है, दूजा नहीं कोई। और दादू पूर्ण जगत को सत भक्ति दृढ़ावत सोई, यानी सच्चा ज्ञान वो कबीर परमात्मा ही आकर बताता है पूरे विश्व को। ठेका पूरा हो जब सबको तजे शरीर, दादू काल गंज नहीं जपे जो नाम कबीर। समय आने पर सबने शरीर छोड़ना पड़ेगा। ठेका पूरा हो जब सबको तजे शरीर, क्योंकि ये ठेका हमारा, यानी जितना समय आपका वहां डिपॉजिट है आपके पुण्य, उसके आधार से आपको श्वास गिन के दे रखे, और जब ये पूरे हो जाएंगे आपको जाना पड़ेगा। फिर दादू साहब कहते हैं कि जो सच्चे नाम से जुड़ा हुआ है उसको काल नहीं पकड़ सकता, उसको काल नहीं कैच कर सकता। जैसे गरीबदास साहब जी ने भी यही प्रमाण दिया था कि धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कबीर जी ने धर्मराज को जाकर धिक्कारा था, फटकारा था कि ओ कजाक, ए निकम्मी आत्मा, खबरदार जब मेरे कबीर जी के हंस को, जो मेरे सच्चे संत से उपदेश प्राप्त प्राणी को तू नहीं पकड़ेगा, ना उसका अकाउंट करेगा। और कहते हैं कर्म भ्रम ब्रह्मंड के मैं पर मैं कर हूं नेश, जिन हमारी दोही जी सो करो हमारा पेश। तो यहां क्या बताते हैं, ठेका पूरा हो जब सब कोई तजे शरीर, दादू काल पकड़े नहीं जपे जो नाम कबीर। कबीर परमेश्वर की महिमा से परिचित है, जो सच्चे नाम का जाप करता है उसको काल नहीं रोक सकता, उसको पकड़ नहीं सकता। आदमी की आयु घटे तब यम घेरे आए, सुवर्ण किया कबीर का दादू लिया बचाए। जो सत भक्ति नहीं करते, आन उपासना करते हैं, या भक्ति बिल्कुल नहीं करते, घूटी सूटी लाते हैं, हुक्का पाड़े, तमाखू पीवे, खावे, भांग पीवे, जब वो मृत्यु होगी तो उनको यम के दूत आकर पकड़ लेंगे। और जो परमात्मा की भक्ति करते हैं उनके निकट यम के दूत नहीं आ सकते। कबीर जी की जो भक्ति करते हैं सच्चे नाम के आधार से, यथार्थ मंत्र से, मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही, दादू संग ले चले वो कबीर चरण की छाही। अब जैसे गरीबदास जी ने बताया कि परमेश्वर कबीर जी ने कहा थे कर्म भ्रम ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेश, नष्ट कर दूंगा, ऐसे मार दूंगा, यानी सारे अपराधों का नाश कर दूंगा मेरी प्यारी आत्मा का। और जिन हमारी दोही दी सो करो हमारे पेश, तू मत पकड़ना, मेरे पास भेज देना। तो यहां दादू साहब कहते हैं कि मेट दिया अपराध सब है। हमारे पिछले जन्म जन्मांतर के जब सच्ची लगन देखेगा प्रभु कबीर जी कि अब ये मेरी आत्मा मेरे अतिरिक्त किसी और इष्ट पर आश्रित नहीं रहा, यानी पति भर्ता पद पर जब हम आ जावांगे, हम अन व्यभिचारिणी भक्ति जब करेंगे, तब परमात्मा हमारे सब पापों को नाश कर देगा। मेट दिया अपराध सब आ मिले छनमाही, दादू संग ले चले कबीर चरण की छाही। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान, और भृंगी सत कबीर ने कीना आप समान। दादू अंतर्गत सदा छिन छिन सुमन ध्यान, वारो नाम कबीर पर पल पल मेरा प्राण। सुन सुन साख कबीर की काल नवावे माथ, धन धन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। दादू साहब जी कह रहे हैं कि कबीर परमात्मा की महिमा
जहां भी कोई परम संत सुनाता है तो काल के भी धक्का लगता है और हाथ जोड़ता है कि भगवान तो भगवान है, वो तो पूर्ण परमात्मा ही है। सुन सुन साख कबीर की, साख साख माने महिमा, उसकी समर्थता को सुनकर और काल नवावे माथे, ऐसे अपना मस्तक झुका लेता है जब उस प्रभु की चर्चा उसके कानों में पड़ती है। और धन धन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ कबीर जी को नमस्कार करता हूं मैं। अब क्या बताते हैं, केरी नाम कबीर का योगी सम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। कितनी अच्छी तुलनात्मक महिमा की है दादू साहेब जी ने के 21 ब्रह्मांड में ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म यहां की बहुत तगड़ी पावर है। अब जैसे जंगल में एक हाथी होता है वो अन्य प्राणियों से तो बहुत तगड़ा, उसके सामने कोई टिकने वाला नहीं, लेकिन शेर के सामने जब शेर गरजता है दहाड़ मारता है तो लीड कर देता वो हाथी और चिंघाड़ मारकर भाग लेता, दूर से भी आवाज सुन लेता है तो दहाड़ सुनता है शेर की। तो परमात्मा दादू साहब कहना चाहते हैं कि ये काल भी कोई छोटी शक्ति नहीं है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसी महापुरुषों के इन शक्तियों को भी रोबोट से चला रहा है, इनकी रेल बना रहा है, वो कितना पावरफुल होगा। आप जी को तो एक पितृ भूत विराण माटी कर दे आपकी तह, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो बहुत शक्ति है, वो तो क्या कर दे आपके साथ, और उनको भी वो काल ऐसे घुमा रहा नचा रहा है, और वो कितनी शक्ति होगी। जैसे हाथी समझ लो ये हाथी है, और कबीर परमात्मा को बब्बर शेर समझ लो। कहते हैं केर ही नाम कबीर का विषम काल गजराज, दद्दू भजन प्रताप से यू भाग्य सुनत आवाज। भगत सुनत गाज, अब जैसे केरी तो कबीर परमात्मा को तो केहरी यानी बब्बर शेर समझो, यानी उस परमात्मा की भक्ति शक्ति उसका नाम सिमरन बब्बर शेर समझ लो, और काल को समझ लो हाथी गजराज। गजराज माने हाथियों में भी तगड़ा हाथी, उनका सरदार उनका मुखिया। और नाम की इस बकबीर परमात्मा की भक्ति का आगे वो इन्हों डांक ठोक दे, भाग जाता दौड़ जाता है, दूर हो जाता है। केरी नाम कबीर का विषम काल गजराज, दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। एक पल नाम कबीर का दादू मन चित लाए, अस्थि के असुआरे को श्वान काल नहीं खावे। अब किसी तुलना की है अपने परम पिता परमात्मा कबीर जी की शक्ति की, कि जो प्यारी आत्मा जो पुण्यात्मा परमात्मा कबीर जी की शरण में आगे हैं पूर्ण संत के द्वारा, वैसे नहीं कबीरपंथी कर ना जाने कितने, उनका नहीं कोई उनको वहां वो कबीरपंथी नहीं है, वो कबीर जी की शरण नहीं है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है जिससे काल डरे। इस पृथ्वी पर वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त किसी के पास अधिकार नहीं है ये सच्चा नाम देने का, सत्य नाम देने का और सार नाम देने का, और ये ज्ञान किसी के पास नहीं है, ना कबीरपंथियों के पास है, औरों के पास तो होगा ही कहां। तो इसके अतिरिक्त किसी के पास भी ये नाम नहीं। तो इस नाम की कितनी महिमा है, जिसने परमात्मा कबीर जी का सच्चा नाम ले लिया इस दास के द्वारा, तो वो कितना काल की पहुंच से कितना दूर हो जाता है, कितना ऊपर उठ जाता है। जैसे हाथी के ऊपर बैठे किसी व्यक्ति को और कुत्ता हानि नहीं पहुंचा सकता, हाथी पर बैठे हुए व्यक्ति को कुत्ता श्वान कुछ भी हानि नहीं कर सकता, वो चाहे बेशक भौंकता रहे। तो पुण्यात्माओं आप जी जो परमेश्वर कबीर जी की शरण में आगे हो, आप समझ लो हाथी पर बैठ गए और काल की पहुंच से कितना दूर हो गए। काल को कुत्ते की श्वान की संज्ञा दी है,
कि अब समझ लो कि समान काल तो समान है, हाथ कुत्ता है और आप हाथी पर बैठ गए, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, यदि आप ही हाथी से नीचे उतर जाओगे तो पिंडी पाट देगा आपकी जाति। हाथी से उतरने का अर्थ है कि आपने यदि नाम तोड़ दिया, नाम टूट गया तो परमात्मा की ओट हट गई, वो शरण थी, वो आड़ थी, जो सहारा था मालिक ने वापस ले लिया, फिर तो काल आप पर खाओगा। तो इसलिए परमात्मा को हमने समझना है, उसके ज्ञान के आधार से हमने चलना है। पल एक नाम कबीर का दादू मन चित लावे, हाथी के असवार को स्वान काल नहीं खाए। सुमृत नाम कबीर का कटे काल की पीर, दादू दिन दिन ऊंचा होवे है परमानंद सुख सीर। परमात्मा के कबीर जी के सच्चे नाम का जाप करने से कटे काल की पीड़, ये काल के द्वारा दी गई यातनाएं जो दुख आपको दिए जा रही है सब समाप्त हो जाएंगे। और दादू पल दिन दिन ऊंचे ऊंचाई ऊंचे हुए, यानी प्रतिदिन आप की भक्ति बढ़ती चली जाएगी और आपका उत्थान होने लग जाएगा, आपके संकट कटने लग जाएंगे। और फिर परमानंद सुख सीर, परमानंद परमानंद यानी सबसे श्रेष्ठ आनंद सतलोक में आपका सीर होगा। सीर माने वहां आपका स्थान होगा, आपका हिस्सा होगा, आपका भाग होगा, पार्ट होगा आपका, वहां पर स्थान बन जाएगा, उसमें आपका सीर हो जाएगा, आपका पार्टनरशिप हो जाएगी, यानी आप वहां के भागीदार हो जाओगे, सतलोक के सुख के भागी हो जाओगे, सतलोक चले जाओगे। आगे कितनी प्यारी व्याख्या की है आदरणीय दादू साहिब जी ने परमात्मा की। और संत सब कूप है और केते झरीता नीरे, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीरी। ओह, कहते हैं कई भाग, कई क्या कहते हैं भक्तजन कि एक हमारे गांव में एक संत था, उसने ऐसा चमत्कार कर दिया, हमारे वहां एक बाबा जी था उसने ऐसा कर दिया, और कहते हैं उन्होंने ऐसा चमत्कार कर दिया। तो उसके विषय में क्या बताते हैं कि जैसे भगवान विष्णु जी, भगवान शिव जी, श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, ये भी राम हैं, ये भी साब हैं, ये भी शक्ति युक्त हैं, ये भी मालिक हैं कुछ क्षेत्र के, और इनमें भी शक्ति है मिलती जुलती भगवान वाली। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज का पुत्र तामरध्वज को आरे से चरवा कर बीचों बीच कटवा दिया, लड़का मर गया तामरध्वज और फिर जीवित कर दिया। अब इस ये शक्ति उनमें भी है, लेकिन श्री कृष्ण जी अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके, जो कि महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन मृत्यु को प्राप्त हो गया और पांडवों का कुल नाश हुआ था। और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का वो पुत्र था, अर्जुन का बेटा, श्री कृष्ण का सगा भांजा और नहीं जीवित कर सके, क्योंकि अभिमन्यु का जीवन शेष नहीं था, उसका इतना ही जीवन था, इतनी सांस थे, और मोरध्वज के पुत्र तामरध्वज का जीवन शेष था, श्वास शेष थे, आयु शेष थी, इसलिए वो उसको जीवित कर सके। अब ऐसे तुलना कर रहे हैं दादू साहेब, और संत सब कूप हैं केते झरीता नीरी, दादू अगम अपार है ये दरिया सत्य कबीर। जैसे कुछ तो ऐसे संत समझो थोड़ी बहुत राहत देते हैं, जैसे कूप कुआ होता है, वो कुआ एक परिवार का काम चला सकता है, दो परिवारों का काम चला सकता है सिंचाई में, जैसे ट्यूबवेल लगा लिया या वैसे। और केते झरीता नीर, जैसे झरना बहता है, वो कुछ क्षेत्र को राहत दे सकता है, बस वो भी दे सकता है राहत, लेकिन कुछ क्षेत्र को। और दादू अगम अपारे है ये दरिया सत्य कबीरी,
अब कबीर जी की अक्षमता समर्थता बता रहे हैं कि कबीर जी को समझो दरिया है, उसमें से अन्य नहर भी निकाल लो, पानी पी भी लो, सिंचाई भी कर लो, तो भी उसका अंत नहीं आता। तो ऐसे समर्थ ये कबीर जी है। अपुण्यात्मा जब हमारे को जब ये पता चलेगा कि कौन परमात्मा कितनी अक्षमता का है, तो उसमें हम अपने आप ही उस परम पिता परमात्मा की तरफ आकर्षित हो जाएंगे, जो सर्व सुखदाई है, अजरो अमर है, जहां जाने के बाद हम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। पुण्यात्माओं, इस ज्ञान से आपको जो ये तत्व ज्ञान आपको दिया जा रहा है, इसको ध्यान पूर्वक सुनो। आप पुण्यात्माओं विचार करो, आपको ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है, इस ज्ञान के आधार से आप अपने आप सेट हो जाओगे हमने कौन से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। अब जैसे गीता के अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 46 में कहा है कि अर्जुन बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत छोटे जलाशय में जैसी आस्था रह जाती है, ऐसी ही श्रद्धा पूर्ण परमात्मा की महिमा से परिचित हो जाने के बाद अन्य ज्ञानों में, अन्य भगवानों में तेरी रह जाएगी। अपुण्यात्माओं, जैसे पहले पुराने समय में जब यह गीता जी का ज्ञान दिया जा रहा था, उसमें तालाबों के ऊपर ही मानव आश्रित थे, तालाबों से ही सिंचाई करते थे, तालाब से ही पानी पीते थे, उसी से पशु पालन करते थे। एक तालाब ऐसा होता है जो एक वर्ष वर्षा ना हो तो सूख जाता है, और उस पर आश्रित जितने भी प्राणी थे वो सभी मर जाते हैं, भूखे प्यासे नष्ट हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ऐसे तालाबों पर आश्रित हैं जिन वर्षा हो जाती है, उनमें पानी आसपास के ऊंचे क्षेत्रों का आके वो भर जाता है, एक वर्ष काम चलाऊ सरकार वो काम चला देती है। और उस व्यक्ति को कोई इतना बड़ा सरोवर मिल जा, इतना बहुत बड़ा जलाशय मिल जावे जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी उसके पानी का समाप्ति नहीं हो, जल समाप्त ना हो, तो कहते हैं उस व्यक्ति की आस्था जो उस बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत उस छोटे जलाशय में रह जाती है, कितनी रह जाती है? वो छोटा जलाशय उसको बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो उसमें भी जल है पर काम चलाऊ है। और इतना बड़ा जलाशय, इतना बड़ा जोड़ मिल जाए, झील मिल जावे, तो उसके किनारे जा बैठेगा, फिर वो छोटे जलाशय को त्याग देगा, क्योंकि तो काम चलाऊ है, आप भी सूखकर हम भी मरेंगे इसकी शरण लेकर। तो इस प्रकार जब आपको पूर्ण परमात्मा कबीर जी की अक्षमता का पता लग जाएगा, ये कितने समर्थ हैं, इनसे हमें क्या सुख होगा, और ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म और परब्रह्म से हमें क्या लाभ हो सकता, कितना ये हमें राहत दे सकते हैं, और जब ये पूर्ण ज्ञान आपको हो जाएगा, सबकी स्थिति से आप परिचित हो जाओगे, फिर अपने आप आपकी आस्था कबीर परमात्मा में उस बहुत बड़े जलाशय की तरह आप पर चिपक जाएगी। ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगेंगे, ब्रह्म परब्रह्म बुरे नहीं है, क्योंकि उनमें भी कुछ गुण है, जैसे छोटे जोड़ में तालाब में पानी था वो भी काम चला दे, लेकिन उस सरोवर के बराबर नहीं है, उस झील के तुलना में नहीं है, फिर उसी पर जाकर रुक जाएंगे, उस तालाब की तरफ झांका भी कोनी आके देखे भी नहीं, वहां आकर के उसके किनारे जा बैठेगा, क्योंकि पहले ऐसे ही बसा करते थे उस समय की। तो एक उदाहरण हमने लेना है, तो उसी तरह दादू साहब कह रहे हैं, और संत सब कूप हैं के तेजरिता नीर, दादू अगम अपारे है दरिया सत कबीर। ओह, अब कुछ संत तो कुएं समझ लो, उनमें भी थोड़ी बहुत काम चलाओ राहत वो दे देते हैं, और कुछ जरिता नीर यानी झरने जो पानी ऊपर पर्वत पहाड़ा में तो फुटपाट का जा, थोड़ा बहुत नाला बनकर चल पड़ा आगे जाकर, वो भी कुछ काम सारा दे देता है।
और दादू अगम अपार है यो दरिया सत कबीर। इब अपने भगवान को कबीर जी को आप समझ जाओगे ये कितना समर्थ है। अब ही यानी इसी जन्म में तेरी सब मिटे, अब ही तेरी सब मिटे ये जन्म मरण की पीरी। श्वास उश्वास सुमर ले दादू नाम कबीर। इसी जन्म में इसी जीवन में आपके इस मनुष्य जीवन में सच्चा गुरु मिलते ही सच्ची भक्ति करेगा तू। इस जन्म में तेरी जन्म मृत्यु का यु दुख समाप्त हो जाएगा। उस कबीर परमात्मा के द्वारा दिए गए सच्चे नाम का श्वास उश्वास से तू नाम जाप करता रहिए। कोई सरगुण में रीज रहा कोई निर्गुण ठहरावे, दादू गत कबीरी की मुझसे कही ना जावे। कोई तो निर्गुण बतावे कोई सरगुण, कहते ही नवराज जी हो रहे हैं। और उस परमात्मा की महिमा तो मैं बोल भी नहीं सकता, यानी निर्गुण सरगुण और सब कुछ उसी की सता है, उसी की कृपा है, वही समझा सकता है, उसकी महिमा हम नहीं गा सकते। जिन मोको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। पुण्यात्माओं पवित्र चारों धर्मों के पवित्र सदग्रंथों ने आपके समक्ष पहले सत्संग में प्रमाणित कर दिया गया आपको कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। अब आपके समक्ष दो पुण्यात्माओं ने जिन्होंने परमात्मा पाया उन्होंने आपके समक्ष उनकी साक्षी दे दी गवाही दे रहे हैं कि कबीर भगवान है। वो जुल्हा काशी माया था वही परमात्मा है और वो समृद्ध शक्ति है, हमने आंखों देखा है, उनको परमात्मा मिला है। अब एक तीसरा उदाहरण आपको देते हैं कि जब परमात्मा कबीर जी परमेश्वर क्या करते हैं कबीर जी, एक युग में जैसे सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग में प्रत्येक युग में एक जीवन तो ऐसा जीते हैं, पूरी लीला करते हैं, बालक रूप धारण करते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर अपना पूरा ज्ञान प्रचार करके लिपिबद्ध करवा के फिर वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, सहसरी चले जाते हैं। वो नाम उनका पूरे उस युग में चलता है, उसी नाम से उनकी महिमा गाई जाती है। और कुछ ऐसी लीला करते हैं कहीं जाकर के साधु रूप बनाकर संत रूप बनाकर कहीं लीला करने लग जाते हैं। ऐसे कबीर जी एक बार लीला कर रहे थे, एक अपना तत्व ज्ञान अपनी प्यारी आत्माओं को समझा रहे थे, उनको सुख देने जाते हैं, उनके गुरु बनते हैं, नाम देते हैं, फिर उनके सुख देते हैं, दुख दूर कर देते हैं, फिर वो प्यारी आत्मा अपने परमात्मा की पूरी सेवा करते हैं साधु संत रूप में। ऐसे ही परमात्मा कबीर जी एक नगर में गए हुए थे और वहां कुछ भक्तों ने उपदेश लिया हुआ था, दीक्षा ली रखी थी और घर एक ही गांव में एक नगर में तीन तीन चार चार दिन परमात्मा पांच पांच दिन रुक जाते थे। सभी भक्त अपने अपने घर में आहार करवाते थे, सत्संग करवाते थे, अपने परमात्मा के चरण रखवाते थे, क्योंकि प्रत्येक समय में परमात्मा अपने पुण्यात्माओं को अपनी शरण में लेने की अलग अलग विधि अपनाता रहता है। तो जिस भी भक्त का नंबर आवे गुरु जी आवेंगे, भक्त आवेंगे तो बहुत अच्छा भोजन बनावे, देसी घी का हलवा बनावे और खीर बनावे। उसी नगर का एक बहुत बड़ा चौधरी यानी बहुत बड़ा धनी व्यक्ति, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति मलुक राम जी, वो मलुक राम जी जब सुबह फ्रेश होने के लिए सैर सपट्टे को जाता और वापस आता, तो वापस आता तब उसने क्या देखता कि किसी ना किसी घर में अलवा बनाने की महक उठ रही होती है। अलवे की महक बहुत गजब की, वह दूर तक जाया करे। तो वो देखता भी आज इस घर में अलवे की महक उठी थी, कल दूसरे में, परसों तीसरे में ऐसे हो रही। उसने पूछा किसी से, भाई क्या क्या कारण है ये, इन घरों में इसी के खुशी मनाई जा रही है, रोज अलवे बनाए देसी घी का।
तो किसी ने बताया कि इनके गुरुजी आए हुए हैं, उसकी खातिरदारी में उनकी सेवा में ये ऐसा कर रहे हैं। तो मलुकदास ने जी ने सोचा ला देखो उस गुरुजी ने किसी ने ऐसे कान भर दिए कि ये मस्टंडा रहा है यहाँ पर, रोज हलवे पाड़े है और मूर्ख बना रहा है, अपने नगर ने अपने गांव ने ठग कर ले जाएगा, भगतान ने बोला ने ऐसा आदमी दिखे है। तो उस चौधरी साहब ने सोची ला देखो इस गुरुजी में क्या खासियत है, परमात्मा बैठे थे चारपाई पर गुरुजी रूप में और भक्त आसपास 10-5 बैठे थे, कुछ सेवा कर रहे थे। अब चौधरी साहब को सब जाने थे, उसकी बड़ी बड़ा प्रभाव था, तो भगत जन एक तरफ हो गए, उसको आने दिया चौधरी जी को। मलुकराम जी कहने लगे रहे कौन है तू, वो भगत बोले जी हमारे गुरुजी हैं। मुलुकराम कहने लगा तू अपना करके क्यों नहीं खाता भाई, क्यों धंधा करा करे, अच्छा जवान दिख है, मस्त हस्त पूरा स्वस्थ शरीर तेरा, हष्ट पुष्ट है, तू काम करके खाया कर क्यों दुनिया को गुमराह कर रहा है, क्यों ठगी करके खाता है। तो कबीर परमात्मा बोले चौधरी साहब मेरे को परमात्मा बिना किए बिना धंधा करे दे रहा है तो मैं क्यों करूं, मैंने क्या हो सकता धंधा करने की। चौधरी साहब बोला वो मुझे क्यों नहीं देता बिना किए। परमात्मा कबीर जी बोले तेरा विश्वास को ना भगवान का, इसलिए ना देता तेरे थे। बोला अच्छा मैं विश्वास करके देखूं, हाथ पात रख के बैठ जाऊं कहीं दे देगा मुझे भगवान भोजन। परमात्मा बोले अवश्य देगा जब तू विश्वास करेगा तो। अब एक शर्त रख दी उस मुलुकराम ने चौधरी ने कि सुन ले बात बाबा जी, आज मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा यदि आज तेरे भगवान ने मुझे भोजन खिला दिया तो मैं तेरा चेला बन जाऊंगा, शिष्य बनूंगा, और यदि आज मुझे भोजन नहीं दिया तेरे भगवान ने तो मैं तेरे को पकड़ के अपना मजदूर लगाऊंगा और वहां अपने खेतों में काम करवाऊंगा, आजीवन तुझे मजदूर बंधक बनाकर रखूंगा, मंजूर है। परमात्मा बोले कति मंजूर है, पूरा अस मंजूर है, मुझे स्वीकार्य है। अब क्या हुआ कि मलुकदास चौधरी साहब अपने खेतों से दूसरे साइड में जो उनके खेत थे उसकी बजाय दूसरे गांव की तरफ सीमा से पार जाकर और एक घने जंगल में एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ गया कि देखता हूं आज मुझे यहां कौन रोटी खिला देगा। अब कहते हैं सोशल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज, परमात्मा कबीर जी कहते हैं अपनी प्यारी आत्मा को ना जाने क्यों किस प्रकार शरण में ले लूं के लीला करके। तो वहां उस जंगल में उस वन में ये गडरिये थे भेड़ बकरी चराने वाले, उनमें 2-4 वो गायें भी रखते थे, उनका कोई त्योहार था, वो कहने लगे भाई खीर बना लो आज अपना त्योहार है। उनने एक व्यक्ति दो की ड्यूटी लगा दी कि भाई तू यहां खीर बना ले दूध निकाल ले गऊओं का और हम इन बकरियों को आगे चरा लेते हैं थोड़ा दूरी पर जाके फिर हम यहीं आ जाएंगे दोपहर के समय। तो उन्होंने क्या किया उसी वृक्ष के नीचे वो खीर का पतीला चढ़ा दिया, चावल डाल दिए, दूध गिर दिया, लकड़ दिए बाड़े। अब क्या हुआ थोड़ी सी देर में उन्होंने क्या देखा कि उसी रास्ते से कुछ घोड़ों पर सवार व्यक्ति आ रहे हैं। उन जंगल में रहने वाले व्यक्तियों को पता होता है कि ये घोड़े पर जो ऐसे आते हैं व्यक्ति ये डाकू होते हैं, वो डाकू थे 10-12 घोड़ों पर। अब वो जो खीर बना हुए थे वह तो भाग गए, मारेंगे हम ना भाई, वो तो भाग गए दूर। और उसी वृक्ष के नीचे आकर के वो सभी घोड़ों वाले डाकुओं ने वहां अपने घोड़े रोक दिए और वहां देखा कि बहुत बड़े पतीले में और कोई वस्तु उबल रही है। एक उनमें से एक ने कहा कि देखा इस देखियो इसमें क्या है। तो एक ने उतर कर देखा घोड़े पर तो उसमें खीर इतनी बढ़िया और वह भूख लाग रही डाकुओं ने, कहने लगे अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद इसमें तो खीर है बहुत बढ़िया और भूख भी लग रही है आ जाओ नीचे।
तो वो कहने लगा है कौन मैं समझदार साहब बोला रहा नू तो देख लो कि देखो हमने मारने के लिए साजिश रच गया और इसमें कोई जहर गिर गया हो गिर डाल दिया हो, इसका परीक्षण कर लो किसी पशु पक्षी ने खुआ के। उन्हीं के में से एक साथी कहने लगा रहा वो बनाने वाला ऐसा कित भाग गया होगा यही छुप रहा होगा कितने वो जड़ा हुआ देखो यही छुप गया होगा किस आस पास देखा ध्यान करो। एक ने ऊपर देखा कि वो चढ़ रहा ऊपर वो बैठा ऊपर बैठा चौधरी मलुकराम, उन्होंने सोचा ये डरता चढ़ गया ऊपर कि कदे डाकू मार दे, कहने लगे भाई नीचे आ जा। अब मलुकराम ने बेरा नहीं था ये डाकू है उन्हें सोचा रहा चलते होंगे, ने बोला मैं ना उतरू नीचे, ने बोला रहा नीचा हमने जरूरी काम है तेरे, ने बोला ना हूं मैं नीचे नहीं आओ तो कहने लगे मार रहे इसके गोली, ने बोला गोली मत मारियो नीचे आ जाऊंगा। वो नीचा आ गया, नीचा आ गया तो उन्होंने क्या किया कि उस जो पतीला ढक रखा था कि उसका ढक्कन उसका ऊपर खीर निकाल ली और कहने लगे ले इस खीर ने खा, अब खाओगा तो ये मर लेगा जब मिला रखा होगा तय। तो मलुकराम कहने लगा कि ना खाऊं खीर मैं ना खाऊं खीर, उनका पक्का विश्वास हो गया कि इस दुष्ट ने इस समय तुम्हें मिला रखा है जहां तो ना खाता इसलिए नहीं खा रहा। उसका दो मारे जूत गेर के न बोले खा खीर दे मुक्या दे लाता हूं छिड़ा पहला तय, और बोले तुम्हें पता हम कौन है डाकू है डाकू। अब डाकू सुनते उसका कलेजा हिल गया चौधरी साहब का, और हाथ जोड़े अंदर अंदर प्रार्थना करे वो पिट्टे ना जब ने कहे हे महाराज जी मनाज बता लो अंधे आते ही आपकी शरण ग्रहण करूंगा आपका नाम जोगा शायद आजीवन तेरी भक्ति करूंगा भीतरे भीतरे पक्की आम्र वाली परमात्मा ने कूट छेद के। अब उसने खीर खाई खा खीर अब खा और खा कती फुल कर दिया और आध घंटा वहां बिठा कर रखा मरेगा तो आध घंटा मर लेगा। जब नहीं मरिया उसने सारी कहानी बता दी कि तुमने तमरा नाश कर दिया मैं तो न्यू छुतका बैठा था आज मेरी एक बाबा जी की शर्त लाग रही थी मैंने कुछ नहीं मिला बनानी है गए भागे। तब उन डाकुआन का पेटा भर गया कि भाई ठीक आदमी तो यो ऐसा नहीं था, उनने वह खीर बाद में खाई उसको मारी ला तक भाग ही दौड़ जाते यहां से वो भाग गया। अब भागता सीधा अपनी जान बची लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए, आते ही कबीर परमात्मा के पास पहुंचा और चरणों में गिर गया। कबीर जी बोले परमात्मा बोले चौधरी साहब भगवान ने कुछ करी सेवा तेरी कुछ भोजन आहार कराया न बोला जी तेरा भगवान तो मर मर खीर खिलावे है कि आपका भगवान तो पक्का है मर मर खीर खिलाता है भगवान। तो परमात्मा कहते हैं बेटा तेरा या चौंध लाग रही थी भगवान जो चाहे सो कर सकता है और आपने हमारा ज्ञान सुना नहीं मैं क्या बताता हूं मैं ये कहता हूं काम भी करो और भक्ति भी करो भाई। आप तो अपनी घिसी पिटी छुरी से सोच लेते हो कि तू मस्टंडा है बैठकर खाता नहीं मेरे जितनी मैंने तू नहीं कर सकता जो मैं कर रहा हूं और किस मेरा क्या उद्देश्य है अब परिचित होगा। फिर चौधरी साहब ने नाम लिया और मुलुक राम चौधरी से मुलुक दास कहलाया क्योंकि पहले तो आदमी जब तक भगवान से परिचित नहीं होता ज्ञान से परिचित नहीं होता तो सातवें आसमान पर उसकी बुद्धि रहती है उसमें सौ सौ विकार अभिमान जाति का धन का शक्ति का अपनी ताकत का पता नहीं कितने गोबर भरे रखे। और जब ज्ञान हो जाता है जब जीव का जीव होता है उसको पता है तू जीव है।